कैंपेन चल रही है। कैंपेन का एक ही मकसद है, मेरी कौम को हकीकी तौर पे आजाद ना होने दो। जिस मुल्क के ऊपर उसका सारा करप्ट डोला डाकू इवानों में बैठ जाए और आम आदमी अपने बुनियादी हकूक की तलाश में हो, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए अपनी हकीकी आजादी की तहरीक का आगाज आज मेरे लियाकत पाक से किया। चोर डाकू जब मुल्क की क्यादत पे बैठे हो, यहाँ ताकत पे वो लोग हो जो जाती मफादात के लिए और अपनी अना के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह करते हैं, इनको सिर्फ अवाम की ताकत शिकस्त दे सकती है। जब तक मैं अपनी कौम को हकीकी आजादी नहीं दिलवाऊंगा, मैं पाकिस्तान की सड़कों पे होऊंगा, मैं अपने लोगों के अंदर जाऊंगा, मैं अपनी कौम को उठाऊंगा। मैं आपको तैयार करवाने आया हूं कि अगर इस वक्त मेरी कौम खड़ी नहीं होगी, इस तरह के लोगों की गुलामी करेंगे जो कहता है कि जी हम तो भिखारी हैं। एक ही तरीका है इस मुल्क को इस दलदल में जो घुसा रहे हैं निकालने का, वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। इनका अगर हम आप इलेक्शन करवाएंगे तो ये तो दो तहाई अक्सरियत ले जाएगी तहरीक इंसाफ। डर गए, खौफ ज़दा हो गए। फिर इन्होंने एक और प्लान बनाया कि तहरीक इंसाफ को क्रश करो, इलेक्शन तब तक ना कराओ जब तक पार्टी क्रश ना हो। 25 मई को मैंने धरना इसलिए खत्म किया, मैं नहीं चाहता था मुल्क में इंतजार हो। शहबाज गिल को पकड़ा, अखवा किया, नंगा करके उसको मारा। मेरे वकील मिलने गए, उन्होंने मुझे आके बताया कि उन्होंने उसका क्या हशर किया। वो लोग जिन्होंने ये किया, मैं उन सरों को आज उनसे मुखातिब हूँ। आपसे ये होगा, कभी हुआ तो आपके और आपकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी। इंशाल्लाह इसका हम पूरा कानूनी तौर पे हम पूरा इंसाफ लेके रहेंगे इसके ऊपर। ARY जो पाकिस्तान की नंबर वन चैनल बन चुकी थी, उसको सिर्फ इसलिए बंद किया गया कि जनाब किसी तरह तहरीक इंसाफ का मौकफ ना पेश किया जाए। इमरान खान की लाइव तकरीर नहीं हो सकती। क्या जुर्म किया इमरान खान ने? जुर्म एक है कि वो कभी चोरों के टोले को तस्लीम नहीं करेगा। इमरान खान को जेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो करना करो, जो भी आप करेंगे, आप अपनी कौम को नुकसान पहुँचाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।